ऊपर से आता है, जड़ों से निकलता है पानी ना। पहाड़ों में पानी के ऐसे काफी स्रोत मिल जाते हैं जगह जगह पर। रास्ता भी ऐसा हो रहा ना, दिख ही नहीं रहा है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ पैर पड़ रहे हैं। एक राउंड दुकान होकर के आता हूँ, वहाँ से मैंने गाय के लिए दाल लेके आना है और दूसरा धान दिए थे कूटने के लिए, और धान कूटे होंगे तो उसको भी लेके आना है। आजकल हमारे साइड की रोड ना ठीक बना दी, इधर को सही होगी मतलब। तो ये है दाल का कट्टा और यह है धान पीस के जो चावल बने थे, इसको रखते हैं स्कूटी में, फिर ले जाते हैं इसको इसमें रख के। अगर बाइक और स्कूटी की कंपेयर करें ना तो स्कूटी में काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब फ़ायदा ये रहता है कि अगर हमारे पास अगर कोई सामान है, जैसे अभी दो कट्टे थे तो इसको ऐसे करके लाया जा सकता आराम से, और अगर इसकी जगह पे अगर बाइक होती तो ऐसे करके कट्टे लाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। अब चलते हैं मांगे की ओर को, मम्मी लोग गए हैं नीचे घास काटने के लिए, तो मैं उनके लिए अब चाय वगैरह ले जाता हूँ, इसमें चाय और खाने का उनका नाश्ता ना। पी रही है छा और कब्बू पानी पी रही है, और वहां पे है भाभी मच्छा भी रही। खाने में ना इनके लिए लेके आया हूं मैं, क्या मम्मी है मणी तो कर लूं मैं पानी लूं ना, वो का मत में ले रही है। अरे तशर रखना डेल जा क्या दादा, ये खाने के लिए है पत्तल रखी मिलते है चम्मच, ये है उसके तिमुल के पात इसमें रखेंगे, ये है खाने के लिए क्या है खीरखास खाएंगे। तो आप लोगों ने भी अगर खा रखे ना खीरखास तो बताना, बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब ये इसमें ना दूध डला होता है और मीठा डला होता है, घी डला होता है, इतना टेस्टी होता है ना ये, आहा मज़ा आ जाता है खाने में। और थर्मस में है चाय, दे देगी तो पी लूंगा कभी खुन्ने में उबते हैं, इतना अच्छा होता ना ये। बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब अब्बू को बनाना आता है, मम्मी को भी आता है, मम्मी को भी मम्मी ने शराई मम्मी को भी पर बनाते सब्बू अच्छा है कैसा लगा फिर इतना काट के? बहुत ही अच्छा, मतलब ये जो घास है ना काफी अलग वाला है, इसकी जो तिल्लियां हैं काफी मोटी हैं और लंबे उसमें है ना, तो इसको काटने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब हाथ दर्द कर रहा है, और घास तो क्या होता है हल्का हल्का होता है ना, तो ये काफी जिनाड़ वाल जिसको कहते हैं ना ऐसा हो रखा है ये। देखा हम कैसे काटते होंगे। और अब मेरे को घर जाना है और फिर से दोबारा चाय बनाना है इन लोगों के लिए, अभी घर आएंगे तो इनके आने तक चाय वाय फिट रखे रखना है। अब इसको कैसे बांधा जाता है, देखो ये घास का घास की रस्सी बना रखी है और उसी से फिर इसको बांध दिया है ऐसे। अब इसको मैं ले जाऊंगा कंधे में रख करके। आज सुबह से ना इन लोगों ने इतना काट दिया यहाँ पे, वो ऊपर से वहाँ से दिख रहा है यहाँ ये, और आगे उधर तक काट रखा है ये, पूरा का पूरा सपा चट कर दिया, मतलब आज के दिन इन लोगों ने दिन भी वहाँ रखा है। अभी सुबह आए थे लगभग
9 बजे के टाइम पे, अभी 1 बजा है, 1 बजे तक का इन्होंने इतना काट दिया ये। अब मैंने घास ले जा करके घर को जाना है, तो मेरे लिए ये बात के रखा है यहाँ पे। अच्छी ये फूला हुआ है ये भाई, इसको लेके जाना है मेरे को। अभी एक और उधर भी है, उसको भी ले जाना है। कौन सा पुला है? भैंसी पुला है गरी मम्मी, भैंस के लिए। अच्छा जी, तो फिर भाई हम तो निकले घर को घास का पुला लेकर के। रास्ता भी ऐसा हो रहा ना, दिख ही नहीं रहा यार, पता नहीं कहाँ कहाँ पैर पड़ रहे हैं। मम्मी और कपू लोग भी घर आ गए और चाय पानी भी हो गया, और अब हम लोगों ने जाना है फिर से खेत में धान चूटने के लिए। एक साइड तो कल चूटा था हमने, अब दूसरी साइड के हैं, एक कुंजुड़ा है वहाँ, तो वहाँ भी जा करके अभी चूट के ले आते हैं। कब्बू और मैं जाएंगे आज भी, मम्मी घर में रहेगी और घर का काम करेगी मम्मी, ठीक है। मम्मी करने लग गई अपना काम, अभी से शुरू हुए बर्तन वर्तन थे ना जो भी खेत के थे सुबह के थे, सारे के सारे धोने लग गए यहाँ पे। ओके क्या कहना चाहेगी? उस नहीं जा, धान टूट जा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जल्दी। कितनी पटा है रे? पटा था भोली तो रोजे भैया असौजो में ना रो। अच्छा क्या जो हटा दिन रे? क्या कारण है? धान तो टूटे। अच्छा चलते हैं फिर खेत की ओर को, टाइम भी ज़्यादा हो गया ना, 3:30 हो चुका है, और फटाफट जा करके धानों को चूट के लाना है। जो धान चूटने के लिए कपड़े थे ना वो हमने कल यहीं पे रखे थे, अब यहीं से ले जाएंगे इसको नीचे। और ठीक ठाक उड़ा जी? अच्छा ये है पानी का स्रोत यहाँ पर, तो ये भर लिया मैंने बोतल में पानी। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं, और ये ऊपर से आता है, जड़ों से निकलता है पानी ना। पहाड़ों में पानी के ऐसे काफ़ी स्रोत मिल जाते हैं जगह जगह पर, इसका मेन कारण है यहाँ पेड़ पौधों का होना, हरियाली का रहना। और ये पानी जो है नेचुरली है, शुद्ध भी रहता है, और इसका टेस्ट भी ना काफ़ी ज़बरदस्त रहता है, मीठा मीठा टाइप का रहता है पानी, मज़ा आता है पीने में, ठंडा रहता है। धूप बहुत ही तेज़ लग रही है यार आज भी ना, और पहुँच गए हम लोग खेत में, अब इसको मारना है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये है हमारा कुंजुड़ा आज का, इसको मारना है हमने आज। मेन चीज़ क्या है ना, पत्थर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है खेतों में, तो कहीं ऊपर है बता रहे थे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ मिलता है तो कहीं। यार पत्थर तो लाया ना मैं ऊपर से मैंने नीचे फेंका तो टूट गया, ये खाली मेहनत बेकार गई। कब्बू ला रही है अभी एक वहाँ से, वो भी छोटा ही दिख रहा है, तो फिर अब मैंने चूटना है इसको। मम्मी ने ना कब्बू के लिए मतलब मना कर रखा है, स्पेशली बोल रखा है कि कब्बू से मत चुटवाना, नहीं तो घर आके तेरे कान गर्म किए जाएंगे करी थी, तो आज मैंने चूटना है। और आज का कुंजुड़ा जो है ना कल वाले से भी बड़ा है ये, तो इतना चूटना है मैंने अभी, पता नहीं कितना टाइम लगता है छूटने में, तो फटाफट लगाते हैं एक जोर और सारा ख़त्म कर देते हैं। कब्बू निकालेगी इसको पहले आज इसमें से ना, देखो ऐसे करके निकालना होता है, और इसको रखने का भी एक तरीका होता है, पैटर्न से रखा जाता है, अंगाली बना करके रखे होते हैं। देखो निकालने के लिए फिर काफ़ी अच्छा रहता है ये, एक अंगाली निकल गई, अब ऐसी दूसरी अंगाली यहाँ पर बनी होगी ये। अगर ऐसे हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, गर्मी बहुत होती है इसके अंदर, जो धान के पराल होता है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, पहाड़ी में उसको बोलते हैं हमय काना बोलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी तो ये कम है, शायद कितने दो रात रखा था इसको, दो रात बोलते हैं। अगर इसको 3 रात रखा जाता ना तो इसके अंदर से बिल्कुल भाप निकल रही होती। अभी इतना और रह गया है और सूरज डूबने को है, देखो लास्ट छोर पे पहुंचा है उधर वो। सारे धान छूट दिए हैं और जो पराल था वो कब्बू ने सारा फैला दिया है, और अब अंधेरा भी हो रहा है, फटाफट इसको उठाते हैं। आज इतने ही धान हो रखे हमारे, कल से ज़्यादा है मतलब आज के ना। और जिनने कल का व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूँगा,
उसको आप लोग देख सकते हैं, उसमें हमने कैसे छोटे धान वो सारा उसमें दिखाया गया है। तो अब इसको सारा इकट्ठा करते हैं थैले में, फिर उसके बाद चलते हैं। हम लोगों ने अब यहाँ से जाना है, वो ऊपर जाना है, काफ़ी ऊपर है, चढ़ाई है यहाँ से ना, वो ऊपर दिख रहा होगा एक मंदिर टाइप का है उधर पे, वो रेड रेड कलर का ना, तो वहाँ पर हमने जाना है। अभी इतना ऊपर चढ़ना है हमने और अंधेरा होने को है, लगभग लगभग 5:45 हो चुका है। तो अब फटाफट इसको उठाते हैं और सीधे यहाँ से भागते हैं ऊपर चढ़ाई में, भाग भाग के जाना है, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। और रात में ना सुअर वगैरह भी आते हैं, तो पता चल रहा है कहीं सुअर उअर के हत्ते पड़ गए ना, तो फिर तो भाई साहब गजब ही हो जाएगा। तो वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।